उत्तर प्रदेश मीरठ में एआईएमआईएम मुख्य अस्तुद्दीन ओवैसी कार को गुलीमाड़ घटन दुई अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस। दुई अभियुक्त हेले बादलपुर बासिंदा सचिन शर्मा एवं सहारनपुर शुभम। गतकाली यूपीए प्रचार सारी दिल्ली फेरुथिया बेले सांसद असदुद्दीन ओवैसी गाड़ी को उभय गुलीमाड़ करथिले। एक घटना रे हापुर एसपी दीपक बुकर कहते यूपीए प्रचार सारी दिल्ली फेरुथिबा सांसद असदुद्दीन ओवैसी गाड़ी को गुलीमाड़ घटना रे दुई जन को गिरफ्त कर घटनार किसी समय पर प्रथम जड़े अभियुक्त को गिरफ्त कर से नोएडार बादलपुर गाँवर बासिंदा सचिन बोली जमापड़ी। द्वितीय अभियुक्त को गाजियाबाद जिलार सिहानी गेट्रे पुलिस स्टेशन गिरफ्त कर ओवैसी हिंदू विरोधी बृत्ति को नहीं से गुलीमाड़ कर पुलिस। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम मुख्य असदुद्दीन ओवैसी कार को गुलीमाड़ पर पुलिस पक्ष त्वरित कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सीसीटीवी फुटेज को आधार कर गिरफ्त करने सहित एक पिस्तल जबत कर एक घटना रे पांचटी टीम गठन कर तदंत कर नहीं एडीजी प्रशांत कुमार सूचना देखते। प्रसंग उपर ओवैसी कहते कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह घटना को गुरुत्वर सहित नहीं से दायित्व नेवा उचित। मोर विश्वास जे मते आघात करने एक सुचिंतित प्रयास मो उपर आक्रमण करवा यह प्रथम घटना नुहे। आग को निर्वाचन थवर निर्वाचन आयोग एथप्रति दृष्टि देवा उचित। आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मीरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मीरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया आइडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामिन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हम हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशाने, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आ गए, क्योंकि हमको लगा कि रिकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था हमारे पीछे जो फॉर्चुनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर, जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट, तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो है जिम्मेदार उनसे बात की, उन्हें कहा कि हाँ सर आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जाँच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गईं, और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मर्तबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे, आप बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। तबे ये घटना परे ओवेसी को जेट कैटेगरी सुरक्षा जोगाई दिया जाइतला, किंतु आज ओवेसी लोकसभा रे तांको पाखरु जेट कैटेगरी सुरक्षा फेराइ नेबाकु कहिसेंती। सेपरि मरण को डर नहीं, साधारण लोक परि व्यवहार करा जाउ बोली कहिसेंती ओवेसी। कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की राजनीति में हिंसा का विरोध करती है। मैं भी इसके विरोध में इस घटना की निंदा करता हूँ, और जो भी दोषी हैं उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में फोटो मेरी आप भी आपके साथ भी खिंच जाएगी, और मेरे साथ कोई लोग, मेरे साथ इतने लोग खड़े हुए हैं, ये लोग, इनकी भी फोटो खिंच जाएगी। फोटो खींचने से किसी विषय का, मैं समझता हूँ, कोई समाधान नहीं है। और ये घटना दुखद है, निंदनीय है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। और वह ना पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, ना ही मैं उसे व्यक्तिगत जानता हूँ। फोटो हम लोग रोज 1000 लोगों के साथ 10000 लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं।